हेलो एवरीवन, आज आपको मैं बताऊंगा J010 और J011 का प्रैक्टिकल वीडियो कि जो ऑफसेट डालते हैं वो मशीन कैसे रीड करती है। ठीक है, तो इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो इससे पहले वाले जो वीडियो है नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। बट उसमें आपको सारी चीज़ बताई गई है, G10 का प्रोग्राम कैसे बनता है, G10 क्या होता है, G11 क्या होता है। बस मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बस खाली उसका एक क्रिटिकल वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए मशीन को ऑन करते हैं। मशीन हमारी ऑन हो गई, इमरजेंसी रेडी, मशीन रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रोग्राम में चलते हैं। तो ये पहले से इसमें प्रोग्राम पड़ा है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के रखा हूँ जो उस वीडियो में इस प्रोग्राम का पूरा डिटेल समझाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को डालेंगे मशीन में और डाल कर देखेंगे कि मशीन जो ये G10 का ऑफसेट है वो कैसे रीड करती है। अगर मैंने प्रोग्राम में करेक्शन कर रहा हूँ तो हमारा जो ज्योमेट्री ऑफसेट है उसमें जाके मशीन उसे रीड कर रही है, इस तरह कर रही। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो मशीन में पहले प्रोग्राम डालते हैं, मशीन को एडिट मोड में लगाते हैं। एडिट मोड में लगाने के बाद प्रोग्राम डाल देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नंबर है O1212। देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है। ठीक है, चलिए वर्कपीस देख लेते हैं। वर्कपीस का डाया है 80 का और लेंथ है 200 का। ठीक है, वर्कपीस लोड हो गया, टूल बांध देते हैं। एक हम लेंथ का एक टूल बांध लेते हैं, टूल नंबर 1 में। ठीक है, और इसे माउंट करा देते हैं, मशीन में माउंट करा देंगे इसे। माउंट हो चुका है, और इसका ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ करंट पर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टूल टच हो चुका है पार्ट के कॉर्नर पे, दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये टूल है, ये पार्ट के कॉर्नर पे टच हो चुका है। इसका ऑफसेट एक नंबर में डालेंगे, तो ऑफसेट डालेंगे, ऑफसेट में चलेंगे और ऑफसेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक्स और जेड, यहाँ एक्स को भी डाया कितना था 80 का, एक्स 80.0 मेजर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब 80 का मेजर किए तो कितना हुआ मेरा 100 हो गया। एक्स फिर से कर देते हैं 80 मेजर, यानी 100 हो गया एक्स यहाँ, और जेड को कर लेते हैं। जेड में क्या करेंगे, जेड 0.0, जेड 0.0 मेजर। ठीक है, देखिए ये 21 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पॉइंट मेजर हो गए। चलिए आते हैं प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में आए तो एक्स में पड़ा है 480 और जेड में पड़ा है -360। ठीक है, तो देखिए जैसे तो वहां तो मेजर कर दिए, हम मशीन को होम पोजीशन पहले कर देते हैं। जेड
एक्स पोजीशन, ठीक है, जेड और एक्स दोनों हमारा होम पोजीशन पे आ चुका है। तो देखिए जो ऑफसेट आया था एक्स में 100 और जेड में 21.8। चलिए प्रोग्राम में डाल देते हैं इसे, एक्स में 100 एडिट, एक्स माइनस 100.0 और क्या करें, अल्टर कर देंगे और एक्स जेड में था जेड 21.0, ठीक है, ऐसे अल्टर कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू फुट हो गई। रिसेट करेंगे, मशीन को चला के देखते हैं मेमोरी, ठीक है जी, और सिंगल ब्लॉक लगा लेते हैं और मशीन को चलाते हैं। देखिए मशीन एक्स जीरो और जेड जीरो पे पहुंच गई और कटिंग भी हुआ, मतलब हम उसमें कुछ दिए नहीं थे, ठीक है। तो देखिए मशीन हमारा 5 mm एक्स में चला गया, ठीक है, प्रोग्राम बना था। देखिए अगर ये प्रोग्राम में अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा, बट अगर ज्योमेट्री में चेंज कर दूंगा तो प्रोग्राम में नहीं होगा। देखिए इस वीडियो को बताने का पर्पज यही था कि अगर हम ज्योमेट्री में कोई सा भी चेंज कर रहे हैं, ज्योमेट्री में कोई सा चेंज करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ डाल दें जेड 22.0, ठीक है, और इनपुट कर दें, नहीं लिया कोई ना, 22.22 मेजर कर एक्स, सॉरी जेड 22.2 कुछ भी मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ 42 हो गया, ठीक है, अब 42 हो गया तो रिसेट कर देंगे प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अब मशीन चलाएंगे तो मशीन हमारी प्रोग्राम की वैल्यू को रीड करेगी बट ज्योमेट्री वैल्यू को रीड नहीं करेगी। चलिए चला के दिखाते हैं आपको, होम पोजीशन में जाएगी, देखिए देखिए यहाँ पे चेंज ना हुआ है, बट जब हम यहाँ चेंज कर देंगे तो हमारी जो मशीन की जो ज्योमेट्री वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 42 आया था ना, एडिट करते हैं, डाउन आते हैं, देखिए जेड 42.0, ठीक है, और इसे एडिटर कर देंगे, एडिटर कर दिए यहाँ पे, 42 से अलग कर देते, 45 कर देते हैं कि समझ में आए, जेड 45.0 एडिटर, ठीक है। तो देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ऑफसेट में जाते हैं तो यहाँ 42.2 है, ठीक है, माइनस में हम प्लस में डाल रखे हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत ना, आपको बस बताना है। प्रोग्राम में चलते हैं, मशीन को
चलाते हैं। इसे मशीन चलाएंगे, मशीन ने ऑफसेट रीड कर लिया। देखिए वहाँ चेंज हो गया होगा, यहाँ 42.2 है ना, अभी वो दिखा रहा हूँ। देखिए ऑफसेट ज्योमेट्री यहाँ हो गया 45, 42.2 था, देखिए 45 हो गया। मशीन उस ऑफसेट को, प्रोग्राम के ऑफसेट को रीड कर ली। तो अगर मैं यहाँ चेंज करूँ तो मशीन हमारे मान लीजिए टूल का टच करा, एक ऑफसेट आया, उतना प्रोग्राम में डाल दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम डायरेक्ट प्रोग्राम में जो करेक्शन करना है उसे कर दें, तो हमारी जो ज्योमेट्री वैल्यू है वो ऑलरेडी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा BMC प्रोग्रामिंग ऑफसेट के बारे में, उसमें भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।